Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव है, उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उसके बाद तमाम तरीके की बातें होने लगी थी और अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के साथ साथ ही अखिलेश यादव को लेकर जमकर निशाना साधा था और अखिलेश यादव को लेकर तमाम तरीके की बातें कह रही थी और उन्होंने ये भी कहा था कि हम यानी कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके की चुनाव जीत रही है और फिर से बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली। इसी कड़ी में एक बार फिर से अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साध दिया। जी हाँ, बात करें तो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की वजह बता डाली है। भाजपा नेता अपर्णा यादव ने औरैया के विधुना कस्बे में भाजपा के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में अपर्णा यादव ने बिना नाम लिए ही अखिलेश यादव पर निशाना साधिया है। जहाँ बात करें तो भाजपा नेता अपर्णा यादव ने कहा कि जो लोग सन्यासी को मठ भेजने की बात करते थे, उन पर लठ बजाने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि बार बार पूछा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में मैंने क्यों आया और आखिरकार मैंने भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना, तो मेरा जवाब है कि मेरे शरीर में जब तक प्राण है और मेरे शरीर में खून रहेगा, यह अपर्णा यादव का प्रण है कि भारतीय जनता पार्टी में ही वो बनी रहेगी, क्योंकि यह राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि बाबा जी को वापस मठ में भेजने का फैसला कर लिया है। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव को अक्सर ये बातें कहा सुना जा सकता था कि सभी ने फैसला कर लिया है कि बाबा जी यानी कि योगी आदित्यनाथ को मठ में भेज देंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जीत के बाद अपर्णा यादव का बयान आया है और इशारों में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साध दी है कि बाबा का लठ भी अब चलने वाला है, तो आप इस पर क्या सोच सकते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.